जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर डाकेश्वर कुमार वर्मा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है रसायनज्ञ क्लासेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये चैनल जो है आप सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिर्फ और सिर्फ कुछ नई जानकारियाँ आपके सामने ला सकूं। केमिस्ट्री का तो वीडियो उस पर रहेगा ही, जिसमें सभी बच्चे 12वीं के, बीएससी के, एमएससी के, नेट गेट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए काम का रहेगा ही। लेकिन उसके अलावा इसको मैंने कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसा आप लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप। तो मैं जब क्लासेस लेता हूँ बच्चों का, फर्स्ट ईयर वालों का, तो उनके तरफ से मुझे एक सवाल आता है, वो जब 12वीं में रहते हैं, 10वीं में रहते हैं, तो उनको ज़्यादातर स्कॉलरशिप के बारे में जो है जानकारियाँ बहुत कम रहती है। अब स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, जैसे 12वीं के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप, जैसे स्टेट लेवल पर आप देखें छत्तीसगढ़ सरकार है, नेशनल लेवल पर है, तो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जिसमें से प्रमुख है इंस्पायर फेलोशिप। ठीक उसी तरह किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक उसी तरह माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के लिए भी आपका बहुत ही ज्यादा स्कॉलरशिप है। ठीक उसी तरह आपके जो एससी एसटी के जो बच्चे हैं, इवन ओबीसी के भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी समय समय पर अलग अलग छात्रवृत्तियां जो है प्रदान की जाती है। आप जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, स्कॉलरशिप है सिंगल चाइल्ड बेसिस पे, सिंगल गर्ल चाइल्ड बेसिस पे, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप है जिसमें मैं इस पूरा वीडियो में कवर करूंगा, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कब अप्लाई कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब आपको इस सेक्शन में मिलेगा स्कॉलरशिप। ठीक उसी तरह दूसरा मैंने कैटेगरी रखा है कंपटीशन एग्जामिनेशन। कंपटीशन मतलब जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपके 12वीं के बाद आप बात करेंगे तो नीट का एग्जाम है, जो कि बहुत ही कॉमन है साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक उसी तरह जेईई एडवांस, ये जो एग्जाम होता है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ये जो है बच्चों के लिए होता है बायो वालों के लिए जो एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं, और भी ऐसे एग्जाम है 12वीं के बाद। ठीक उसी तरह अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप बायो कर रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो उसके बाद जो एक एग्जाम होता है जेड, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक उसी तरह जेएन के अलावा जेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जो है स्पेसिफिक मैथ्स वालों के लिए होता है जो फिजिक्स में आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं या मैथमेटिक्स में जो आगे चल के एमएससी या पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह होता है नेस्ट, NEST, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जो है स्पेसिफिक बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए होता है जो बीएससी में, जो बीएससी फाइनल ईयर में है और वो जो एग्जाम दिलाना चाहते हैं, आगे एमएससी करना चाहते हैं, कहाँ से, IIT से, आइजर से, नाइजर से, कई ऐसे बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, उनको हमने गाइड किया और उनका सिलेक्शन हुआ, वो आज IITs में, NITs में, आइजर नाइजर में जो है अपना स्टडी कर रहे हैं, एमएससी और कई बच्चे जो है पीएचडी भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह एक एग्जाम था टाइफर का, TIFR। टाइफर के बारे में आपको मैं डिटेल से अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, इसका नोटिफिकेशन 11 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, 11 अक्टूबर को कल से, और इसका जो कंप्लीट डिटेल एक वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे अप्लाई करना है, कितना फी होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, आप एग्जाम को कैसे दिलाएं, इसका पैटर्न क्या होगा, कौन से बुक पढ़ें और कहां पे आप जा सकते हैं, आपको कितने स्कॉलरशिप मिलेगा, पूरा A to Z डिटेल टाइफर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक उसी तरह एक एग्जाम होता है टाइफर का, फुल फॉर्म होता है टाटा इंडस्ट्रियल फंडामेंटल रिसर्च। ठीक उसी तरह एक एग्जाम होता है बीएससी के बाद BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आप जब एग्जाम दिलाएंगे तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे आपकी नाम से आप देख सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ से आपको एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर सिर्फ एमएससी का जो है ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम पर्टिकुलर जॉब की बात करें,
अगर हम पर्टिकुलर जॉब की बात करें तो जो स्टेट लेवल का सीजीपीएससी होता है दोस्तों, सीजीपीएससी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, किस तरह से हम जनरल केमिस्ट्री को पढ़े उसमें, उसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सीजी व्यापम द्वारा एक पोस्ट होता है, सीजी व्यापम स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो केमिस्ट का पोस्ट निकलता है, उसका जो किस तरह का सिलेबस होता है, कैसे वो तैयारी करे, कौन से बुक रिफर करे, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी कर लिया तो एमएससी के बाद जो है सीजीपीएससी के एग्जाम लेता है, उसका नाम है साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर बहुत ही रेपुटेड जॉब है, साइंटिफिक ऑफिसर ये क्लास टू ऑफिसर जो एग्जाम है इसका भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो पीएससी इस बार जो है 16 अक्टूबर 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी रहता है। ठीक उसी तरह अगर आप डाउट बात करें जॉब की तो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड ये भी जो है एमएससी के बाद डायरेक्ट एग्जाम लेता है, जिसमें आप सीधा क्लास टू ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक उसी तरह एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये भी जो है एग्जाम लेता है, अगर आप डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री है, इवन आपका फिजिक्स है, आपका लाइफ साइंस है, इवन आपका मैथमेटिक्स है, तो ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ये तो बिल्कुल एक छोटा सा सैंपल है। ठीक ऐसे ही नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के ऐसे बहुत से एग्जाम आपको मैं लेके आऊंगा, एग्जाम साथ ही साथ डायरेक्ट आपका जो जॉब रहेगा वो। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो एमएससी के बाद जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया होगा, या फिर कई पीएचडी कर रहे होंगे, या फिर जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च में कुछ करें, कुछ नया करें देश के लिए, कुछ इनोवेटिव उनके पास आइडिया होगा रिसर्च के में अपना कैसे करियर बनाएं, तो इसके संदर्भ में भी काफी संभावनाएं हैं। अगर आपने जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बीएससी के बाद जेन जेस्ट नेस्ट की बात की और एमएससी की बात करें, तो एमएससी के बाद आप 2-3 एग्जाम पास कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। एक आपका नीट होगा, एक आपका गेट होगा और एक आपका होगा स्टेज। तो अगर आपने इसे क्वालिफाई किया है, अगर आपने इसे क्वालिफाई किया तो आपको रिसर्च में अपार संभावनाएं हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जेआरए जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नेट है या फिर सेट है तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। इसके लिए एग्जाम होगा सीजीपीएससी की तरफ से, आप पीएससी की तरफ से नेशनल लेवल पर भी आप दिला सकते हैं अगर आपके पास नेट की डिग्री है। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पीएचडी है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इवन अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स वाले बच्चे हैं, आप मैथमेटिक्स वाले हैं, तो आपको जो है इसरो है इसमें भी आपको जो है ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से आप चाहो तो हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट जॉब भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही रेपुटेड है, हमारे भारत का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से रिसर्च के बारे में पूरा फंडामेंटल चीज है, रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखे, रिसर्च पेपर के टाइप कितने होते हैं, जैसे रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर जो लैब में परफॉर्म करते हैं, बुक कैसे लिखे, आप संपादकीय बुक भी लिख सकते हैं, संपादकीय पुस्तक मतलब एडिटेड बुक, और एक होता है लेखक बुक, लेखक पुस्तक जो आप खुद लिखते हैं, एक होता है ऑथर्ड बुक और एक आपका एडिटेड मतलब संपादकीय, और ऑथर्ड मतलब जो खुद हम लिखते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हैं, और पब्लिशर क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट कैसे रहते हैं, कैसे हम फिगर को किसी रिव्यू पेपर में अपने काम में उसको हम कैसे उपयोग करें, ये सब आपको इसी में मिलेगा पूरा रिसर्च वाले कॉर्नर में। तो ये सब का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनेगा और आपको मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा जैसे जैसे मेरे पास वीडियो के कलेक्शन आते जाएंगे, और आपकी जितनी भी क्वेरीज रहेंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूंगा। और ये जो है थोड़ा सा अदर देन सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट से रिलेटेड है लेकिन सब्जेक्ट से थोड़ा सा बियॉन्ड द सब्जेक्ट आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसको आप कोरिलेट कर सको अपने स्टडी से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिसिनल प्लांट जो है, जैसे हम कॉमन पहचानते हैं आसपास तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं इसके गुण धर्म के बारे में, लेकिन ऐसे भी बहुत से अभी मेडिसिनल प्लांट है जिसको हमको जानना बाकी है, जिसमें से एथनोमेडिसिन क्या होता है, जो एथनोमेडिसिन जो लोकल स्पेसिफिक जो एक जगह का प्रचलित मेडिसिन होता है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह आपके पास आसपास जो इंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने वाली जो खतरे में प्रजाति है उनको हम कैसे संरक्षित करें, जैसे आपने दहीमन का नाम सुना होगा, आपने पलाश का नाम सुना होगा, अलग अलग उसमें प्रजाति होती है, उसको हम कैसे संरक्षित करें, कैसे उपयोग करें और उसमें हम रिसर्च कैसे करें,
जो बच्चा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, अगर वो रिसर्च के एरिया में जाना चाहता है, तो उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं कि हम उसको कैसे कलेक्ट करें, उसमें ऐसा क्या है कि वो पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट या फिर कोई एंटी मतलब पेन किलर के रूप में उपयोग हो रहा है, तो किसी का हम बुखार के लिए मतलब बहुत सारे उसमें उपयोग है आप देख सकते हैं, तो किस तरह से हम उसको उपयोग करें मेडिसिनल प्लांट को, तो उसमें हम मेन हम डिस्कस करेंगे। मैं जंगलों में अक्सर जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा और इसको पूरा कोरिलेट करूँगा। लाइफ साइंस के जो बच्चे खास करके बॉटनी वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले, बायोटेक वाले हैं, इवन जूलॉजी वाले भी, और केमिस्ट्री का तो है ही नो डाउट, तो इस तरह से बच्चे इसमें अपना पूरा आगे चल के PhD भी कर सकते हैं, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा इथनो मेडिसिन है, लोकल मेडिसिन है, जो अभी एक तरह से जो विलुप्त श्रेणी की कगार पे है, उसका काफ़ी उपयोग है। आप चाहे तो उसको आप पढ़ सकते हैं, आगे उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, आपका काफ़ी दान हो सकता है, आप काफ़ी अपना उसमें अच्छा है, इनकम का भी सोर्स है। जैसे कि मेरे भी ये सब इसमें कम से कम मेरे 3 बुक अभी आने वाले दिसंबर एंड तक, मैं आपको कवर पर जरूर दिखाऊंगा उसका। और रिसर्च पेपर का तो कोई बात ही नहीं है, 40 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश है, आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं नेट में। तो इसका मुख्य उद्देश्य रसायन क्लासेस का ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 मैंने कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने रखा है, एक सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप, दूसरा पूरे कंपटीशन एग्जाम को मैं कवर करूंगा, थर्ड वन है आपका जॉब एंड कैरियर आफ्टर BSc। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स एंड बायो बैकग्राउंड, और मैथ्स एंड बायो बैकग्राउंड में 12वीं तक तो हम 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन अब जब BSc करेंगे या फिर आप इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल फील्ड में आएंगे, तो उसमें भी जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, सबके बारे में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। और रिसर्च में लेकर जैसे मैंने अपना PhD स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारे मतलब सवाल ऐसे मन में रहते थे जीवन में, जिसका जो है संतोषप्रद मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था। तो मैंने कई ऐसे इसमें मतलब पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें आप अपना जो भी सवाल है, जो भी पॉइंट है, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं, PhD क्यों करें, सिर्फ डिग्री के लिए करें या फिर कुछ और के लिए करें, क्या है एक्चुअली PhD, उसकी डिग्री का जो मान्यता क्या है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, हमको क्या हो सकता है उससे पूरा हर एक चीज़ को मैं डिटेल से आपके सामने मैं लाऊँगा। और मेडिसिनल प्लांट का तो ये तो एक बहुत ही क्रेज है, इसमें आप चाहे तो इसमें PhD भी कर सकते हैं, इसको आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसका नॉलेज रखें, आप जड़ी बूटियों के बारे में जानें, लोगों को आप रोग निदान के लिए समझाएं, उनको अवेयर करें, और आप चाहे तो खुद इसमें एक तरह से इसका मेरा सीधा मोटिव है रोगी स्वयं चिकित्सक, मतलब अगर आपने पूरा पंच तत्व के बारे में अच्छे से पढ़ा गढ़ा है और आप जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके बॉडी में ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उसके हिसाब से आप उसको कैसे उसका इलाज करें, पूरा हर एक चीज़ का जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो सेक्शन हैं, कैटेगरीज हैं मेरे रसायन के क्लासेस के अंतर्गत, वो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।